आज इतवार है और पाकिस्तान इंग्लैंड का फाइनल भी, और बड़ी ईद की जिबा की हुई गाय भी अभी तक लंगड़ा कर चल रही है, तो सोचा क्यों ना पाए पकाए हैं ताकि कम से कम गाय तो जन्नत में पूरी तरह चली जाए। फाइनल देखने के लिए जिगरा चाहिए और दिल के साथ साथ छोटी बड़ी टांगों का मजबूत होना भी जरूरी है। हमारी बेगम की वैसे तो हर डिश ही तबाही होती है, लेकिन पाए तबाहकुन होते हैं, और तबाही का मतलब वाकई तबाही है। अब मर्जी आपकी है, खाना है या नहीं, फटना तो है ही। ये वही पाए थे जो ईद के दिन इंतहाई मेहनत से साफ किए गए थे। एक पतीले में तेल डालकर चार दरमियाने प्याज काटकर लाल कर लें। प्याज सुर्ख होने के बाद एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साबुत गर्म मसाला जिसमें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची और छोटी इलायची शामिल है डाल दें। इसको मिक्स करने के बाद पतीली में गाय के दो अदद मुनासिब साइज में कटे हुए पाए डाल दें। 5 मिनट इसी प्याज और तेल में पकाएं। इसके बाद नमक और पिसा हुआ हरा धनिया और लाल मिर्च मिलाएं और 2 गिलास पानी डालकर 1 घंटे के लिए ढक दें। 1 घंटे बाद अच्छी तरह भून लें और अगर पाए में बोंग का गोश्त पसंद करते हैं तो वो भी मिला लें। इतना भूने कि यहाँ तक के तेल ऊपर आ जाए। इसके बाद 5 से 6 गिलास डालकर ढक दें। 3 घंटे दरमियानी आंच पर पकने दें। इतना पकने से काफी पानी खुश्क हो चुका होगा, तो 1 से 2 गिलास पानी मिलाकर 1 घंटा मसीद पकने दें और फिर पाए तैयार। नमक फिर चख लें और अगर एडजस्ट करने की जरूरत हो तो वो भी कर लें। ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला डालकर सर्व करें। इसके बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच देखें। अगर हार भी गए तो दिल पर असर नहीं करेगा। देख के तो दिल चाह रहा है कि बस बंदा खा ही जाए। ओहो।